नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रायंगल या त्रिभुज। क्या हम बताएंगे कि जो ट्रायंगल्स हमें दे रखी हैं उनको हमें कैसे काउंट करना है। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि स्क्वायर की काउंटिंग कैसे करते हैं, रेक्टेंगल की काउंटिंग इस प्रकार से करते हैं। तो आज बात करेंगे काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल की। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पिक्चर या फिगर है उसमें कुल कितनी ट्रायंगल या त्रिभुज है तो उसको हमें कैसे काउंट करना है। अगर हम देखें हमारे सामने तीन पिक्चर हैं, अगर मैं नाम दूं जैसे पिक्चर ए, पिक्चर बी और पिक्चर सी, ये तीनों पिक्चर हमारे सामने हैं। अगर हम ध्यान से देखें तीनों पिक्चर सेम पैटर्न से बनी हुई हैं, क्योंकि सेम पैटर्न किस प्रकार कि तीनों में अगर आप देखें एक कॉमन पॉइंट है। सपोज इस पॉइंट को हम नाम दें कि जैसे मैंने बोल दिया कि ये डी पॉइंट है, तो इस डी पॉइंट से लाइंस ड्रा हो रही हैं। तो ये जो तीनों हमारे पास जो ट्रायंगल हैं ये सभी सेम पैटर्न की हैं। अब यह बात करते हैं कि अगर एग्ज़ाम में इस पैटर्न की पिक्चर आती है तो उसमें जो ट्रायंगल्स हैं हमें काउंट करनी है वो कैसे काउंट करनी है। तो आप ध्यान दें, पहला फिगर आप देखें जिसमें हमें देखना है कि जितने भी इंडिविजुअल ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर हमें नंबरिंग करनी है। जो इंडिविजुअल ट्रायंगल कौन कौन से हमें नज़र आ रहे हैं, एक ट्रायंगल तो ये नज़र आ रहा है अगर मैं बात करूँ ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल हमें ये नज़र आ रहा है। तो हमने क्या किया, जो इंडिविजुअल ट्रायंगल हमें नज़र आ रहे हैं उनकी हमने नंबरिंग कर दी है। अगर इसको हम वैसे देखना चाहें कि बिना कंसेप्ट के या बिना ट्रिक के, तो आप बता सकते हैं, इसमें आसानी से बता सकते हैं कि एक ट्रायंगल ये, दूसरी ये और तीसरी बड़ी वाली, कि इस टाइप के फिगर में तीन रेक्टेंगल टोटल हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हम शुरू से ही कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, एक ट्रिक को लेकर चलेंगे जिससे कि हम आसानी से जवाब दे सकें। तो सबसे पहले हमने नंबरिंग कर दी है और जो नंबर हमारे पास आए हैं हमने क्या करना है, उन नंबर्स को आपस में जोड़ देना है। तो 2+1 कितना हुआ, 3। तो इस तरह की फिगर में अगर आप देखें तो तीन ट्रायंगल आपके सामने हैं, एक छोटी वाली ये, दूसरी ये और तीसरी ये बड़े वाली। अब दूसरे फिगर पे चलते हैं, यह भी सेम पैटर्न से बनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो फिगर या पिक्चर हमारे सामने है उसको हमें नंबरिंग करनी है, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले नंबरिंग कर दी जो भी इंडिविजुअल ट्रायंगल हमें नज़र आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर्स हमने लिखे हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता चल जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर हमने लिखे हैं उनको हम आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5 और 1 6। तो इस फिगर में हमारे पास टोटल 6 ट्रायंगल हैं। अब नेक्स्ट फिगर को देखते हैं, ये वाली फिगर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल ट्रायंगल हमें नज़र आ रही हैं उनकी हम नंबरिंग करेंगे, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद हमें बताना है कि फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। इसके लिए जो नंबर हमने दिए हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे, 1+2+3+4। तो इस फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, त्रिभुज हैं, वो 10 हैं। तो ये ट्रिक हम अपना रहे हैं जब हमारे पास सेम पैटर्न की ट्रायंगल दे रखी हैं जो सेम पैटर्न से बनी हुई हैं। अब इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये तीन फिगर हमारे सामने हैं, ये एज इट इज़ हैं जो अभी हमने की हैं, लेकिन अब इनमें थोड़ा सा चेंज करते हैं कि चेंज किस प्रकार से होगा। ये तो हमने देख लिया कि इसमें हमारे पास टोटल तीन ट्रायंगल होती हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, हम एक लाइन इसके बीच में लगा देते हैं। अब ये फिगर आपके सामने है तो इसको कैसे करना है। तो जैसे ही इसमें चेंज हुआ, इसमें दो पार्ट बने, एक इसका ये अपर पार्ट बना और दूसरा इसका लोअर पार्ट बना। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम वही काम करेंगे, हम नंबरिंग लिखेंगे 1 और 2। तो यहाँ से हमें पता लगा कि इसमें 1+2 तीन टोटल रेक्टेंगल्स थी। ये पहले वाला कंसेप्ट है, इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे
कि जो बीच में लाइन ड्रा हुई है उसके ड्रा होने से जो पिक्चर या फिगर है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई है। अगर हम देखें एक अपर पार्ट है दूसरा लोअर पार्ट है तो दो पार्ट में यह डिवाइड हुई है, मतलब फिगर में तीन ट्रायंगल हैं और दो पार्ट में डिवाइड हुई है। तो इसमें क्या करना है, जब हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बतानी है तो पहले तीन थी हमारे पास, उसके बाद उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जितने पार्ट में हमारी ट्रायंगल डिवाइड हुई है। तो इस फिगर में दो पार्ट में डिवाइड हुई है लाइन लगने से, तो तीन इंटू टू, तो इसमें टोटल छः ट्रायंगल हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जो हमने बी क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन इसमें इस बार हमने बीच में दो लाइनें लगा दी हैं, और दो लाइनें लगाने से क्या हुआ, यह जो फिगर है वो तीन पार्ट में डिवाइड हुई, अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। तो जैसा हम करते आए हैं कि हमें पहले पता था कि इसकी जो बेसिक पिक्चर है, ये जो डायग्राम हमारे सामने है इसका बेसिक पिक्चर क्या है, बेसिक पिक्चर ये था, और इसमें हमारे पास टोटल रेक्टेंगल कितनी थी, 3 + 2 + 1, तो ये टोटल 6 रेक्टेंगल थी, लेकिन इसमें अब लाइन लगने से यह तीन पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो अगर हम बात करें अब टोटल जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर होंगी, टोटल नंबर ऑफ सॉरी रेक्टेंगल इन ट्रायंगल्स, तो 6 जो हमें पता है, उसके बाद जितने पार्ट में हमारी ट्रायंगल डिवाइड हुई है 1, 2 एंड 3, 3 पार्ट में हुई है, तो 6 × 3 = 18, तो इसमें 18 ट्रायंगल्स होंगी। उसके बाद अगला फिगर देखते हैं। तो इस फिगर में क्या है, ये फिगर बिल्कुल एज इट इज है जो सी क्वेश्चन हमने किया था। अब ये फिगर आपके सामने है, तो वही है कि अब इसमें हमें काउंट करना है कि टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। तो सबसे पहले बड़ी फिगर में ट्रायंगल काउंट करने होंगे इंडिविजुअल ट्रायंगल की नंबरिंग करके और नंबर्स को आपस में जोड़कर। अब जो बड़ी हमारे पास है वो है जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, तो उसमें देखते हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो टोटल करो 1, 2, 3 + 4, ये हुआ 10। तो बड़ी जो फिगर है उसमें 10 ट्रायंगल हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितने पार्ट में ट्रायंगल का डिवीज़न हुआ है, कितने पार्ट में ट्रायंगल बटी है। आप देखें 1, 2 एंड 3, तो तीन पार्ट में ट्रायंगल का विभाजन हुआ है, पार्टीशन हुआ है। तो अब फिगर में टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, टोटल ट्रायंगल इन फिगर, जो बड़ी पिक्चर में ट्रायंगल हैं 10, जितने पार्ट में डिवाइड हुई 3, तो ये हुए 30। तो इस टाइप के प्रश्नों को इस तरह से हल किया जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं अगर आप देखें, ये सभी ओपन फॉर्म में हैं कि ट्रायंगल पूरी तरह से ओपन है। अब कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं वो हैं क्लोज्ड फॉर्म के। अब जैसे आप ये देखें, ये डायग्राम आपके पास है कि तीन डायग्राम है, मैं नेमिंग कर देता हूँ। सपोज इसको मैं लिखता हूँ जी, इसको लिख दिया मैंने एच, और इसको लिख दिया आई। तीन फिगर आपके सामने हैं। अगर हम फिगर जी एच आई को देखें तो ये थोड़ी सी डिफरेंट पिक्चर हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो ट्रायंगल काउंट किए हैं वो ओपन फिगर में किए थे, लेकिन अभी जो ट्रायंगल हम काउंट करने जा रहे हैं वो क्लोज्ड फॉर्म के अंदर हैं, यानी कि ट्रायंगल बॉक्स के अंदर हैं जो हमें नज़र आ रहा है, चाहे वो बॉक्स स्क्वायर है और चाहे वो बॉक्स रेक्टेंगल है। तो ट्रायंगल दो ही तरीकों से बनती हैं, एक तो ओपन ट्रायंगल और दूसरा क्लोज्ड फॉर्म में बॉक्स के अंदर। और जब क्लोज्ड फॉर्म में बॉक्स के अंदर ट्रायंगल बनते हैं तो उसको काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी, तो सबसे पहले हम ये जो बेसिक पिक्चर है क्लोज्ड फॉर्म का, इसको देखते हैं और काउंट करते हैं कि इंडिविजुअल ट्रायंगल कितने हैं। तो इस फिगर में अगर मैं देखूँ कि इंडिविजुअल ट्रायंगल कितने हैं, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये चार इसमें इंडिविजुअल ट्रायंगल हैं। तो जितने ट्रायंगल हमें दिखाई दिए उससे डबल हमारा आंसर होगा, मतलब कि
जितनी भी ट्रेंगल विजिबल हैं अगर उनका हम डबल कर दें तो वही हमारा आंसर होगा। मतलब चार ट्रेंगल्स दिखाई दे रहे हैं तो आंसर होगा चार का डबल। तो इस फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगी ट्रेंगल होंगी वो 4 × 2, चार दिखाई दे रही थी उसको हमने डबल कर दिया तो वो हुए टोटल 8। तो इसमें टोटल हमारे पास 8 ट्रेंगल हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो फिगर एच हमें दिखाई दे रहा है। तो फिगर एच में सबसे पहले इंडिविजुअल ट्रेंगल की नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल ट्रेंगल की नंबरिंग। तो 6 इंडिविजुअल ट्रेंगल हमारे पास हैं। अब बात आती है कि जो फिगर एच है, इन फिगर एच टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितनी होगी, जितनी विजिबल हैं उसका हम डबल करेंगे। तो ये हुआ 6 × 12, तो इसमें 12 होंगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ सर चलते हैं, क्वेश्चन आई, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आसानी से कर सकते हैं। अब आपको ट्रिक है जो बिल्कुल आपको क्लियर हो गई है। तो हमने क्या किया, फिर नंबरिंग की 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और 8। तो टोटल जो इसमें इंडिविजुअल ट्रेंगल की नंबरिंग करने से हमें ट्रेंगल दिखाई दे रही हैं वो कितनी है, 8। अब फिगर आई में, इन फिगर आई टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल्स वो कितनी होंगी, जितनी ट्रेंगल विजिबल हैं उसको डबल करेंगे तो 8 × 16 है। तो इस फिगर में हमारे पास 16 ट्रेंगल होंगी। तो हमने ट्रेंगल काउंट करने की दो ट्रिक सीखी, एक ओपन फिगर और दूसरी क्लोज फॉर्म में बॉक्स के अंदर। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इतने इजी क्वेश्चन नहीं बनते कि वो डायरेक्ट आपसे इन पिक्चर्स के बारे में पूछें। पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर होती हैं, और पेपर में इन्हीं में से 2, 3 या 4 पिक्चर्स को आपस में जोड़ देंगे, और उन पिक्चर्स को आपस में जोड़ने के बाद जो कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बनेगी उस पिक्चर में हमें ट्रेंगल काउंट करने होंगे। तो अब डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर में ट्रेंगल को कैसे काउंट करते हैं। तो ये आपके पास फिगर हैं, दो आपके पास पिक्चर हैं आपके सामने हैं। तो हम देखते हैं कि उस ट्रिक या अप्रोच जिसके आधार पर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर में आसानी से टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल्स को काउंट किया जा सकता है कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। और कोई भी पिक्चर हमारे पास हो तो वह 2 या 3 या उससे ज़्यादा बेसिक पिक्चर से मिलकर बनी होगी। तो सबसे पहले आप यह पता लगाएंगे कि वो पिक्चर कितनी बेसिक पिक्चर से मिलकर बनी है। और अभी तक मैं बात करूं, हमने दो ही बेसिक पिक्चर पढ़ी हैं। दो बेसिक पिक्चर कौन कौन सी हैं अगर आप देखें, एक बेसिक पिक्चर तो हमारे पास ये है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल्स हैं 8, और दूसरी बेसिक पिक्चर हमारे पास ये वाली है जिसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने हैं, 3। ये वो बेसिक पिक्चर हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो फिगर हमारे सामने है, तो सबसे पहले आप देखें कि कुल कितनी बेसिक पिक्चर से यह पूरा फिगर बना है। तो अगर हम देखें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि यह जो फिगर है दो बेसिक पिक्चर से मिलकर बना है, एक हमारा लेफ्ट वाला बॉक्स है और दूसरा हमारा राइट वाला बॉक्स है। तो सबसे पहले दोनों बॉक्स में अलग अलग ट्रेंगल्स को काउंट करेंगे। किसी भी पिक्चर में ट्रेंगल हम दो तरीकों से काउंट करेंगे। सबसे पहले ट्रेंगल काउंट करेंगे इंडिविजुअल फिगर में, जैसे मैंने बात की कि दो फिगर हमारे पास हैं ये वाले, इनसे मिलकर यह फिगर बना है। तो इन दोनों में हम अलग अलग काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 4 होता है, 4 होता है जो विजिबल है, और इनको करने के लिए हम डबल करते हैं 8 + 8। तो जो टोटल इंडिविजुअल फिगर्स में हमें नज़र आ रहा है उसमें टोटल हमारे पास 16 ट्रेंगल्स हैं, और ये 16 ट्रेंगल वो ट्रेंगल हैं जो बेसिक पिक्चर में बने हैं। और जब हमें दोनों बेसिक पिक्चर को मिलाएंगे, जैसा आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि दोनों बेसिक पिक्चर आपस में मिली हुई हैं, तो बेसिक पिक्चर को मिलाने के बाद कितनी एक्स्ट्रा नई ट्रेंगल्स बनती हैं, यानी कि वो ट्रेंगल जो पहले बॉक्स से शुरू हों और सेकंड बॉक्स पर ख़त्म हों दोनों बॉक्स के मिलाने पर। तो यहाँ पर दो ऐसे ट्रेंगल्स बनते हैं। अगर हम देखें, एक ट्रेंगल ये बनती है और दूसरी ट्रेंगल हमारे पास ये बनती है।
मतलब कि बेसिक पिक्चर को आपस में मिलाने पर दो एक्स्ट्रा ट्रेंगल हमारे पास बनती हैं। तो पहले कितनी थी, 16, एक्स्ट्रा कितनी है, 2। तो टोटल अगर हम देखें हमारे पास इस फिगर में 18 ट्रेंगल्स हैं। और जैसा हमने बात की कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर में ट्रेंगल कैसे काउंट करेंगे, दो ही तरीके हैं। पहले इंडिविजुअल बेसिक पिक्चर में ट्रेंगल काउंट करें, जब आप इंडिविजुअल पिक्चर को मिलाएंगे तो जब बड़ी पिक्चर बनेगी तो उसमें कितने एक्स्ट्रा ट्रेंगल बनेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो इस क्वेश्चंस को आप देखें। तो पहला काम है हमें देखना है कि ये किस टाइप की बेसिक पिक्चर से बना है। ये बेसिक पिक्चर ये है, और इस तरह की यह तीन आकृतियों से मिलकर बना है, तीन आकृतियों से, ये 1, 2 एंड 3। तो ये तीन अलग अलग आकृतियां हैं जो बेसिक पिक्चर हैं बट सेम हैं। तो इसमें आप देखें 1, 2, 3 एंड 4, और 4 × 2 इसमें 8 हैं। एक आकृति में 8 ट्रेंगल हैं, इस तरह की तीन आकृतियां हैं, तो टोटल हमारे पास 24 ट्रेंगल हुई यहाँ पर, जो हम बेसिक पिक्चर के आधार पर बता सकते हैं। अब हमें देखना है कि जब हम इस तरह की तीन आकृतियों को आपस में मिलाते हैं तो एक्स्ट्रा ट्रेंगल कितने बनते हैं। तो एक्स्ट्रा ट्रेंगल इसमें कितने बनेंगे, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अगर मैं बात करूं, एक ट्रेंगल तो ये बनेगी और एक ट्रेंगल ये बनेगी, मतलब कि जो बेसिक पिक्चर 1 और 2 हैं उसमें हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बने। अब 2 और 3 को देखते हैं, ये और ये फिगर, एक ट्रेंगल ये बनेगी और एक ट्रेंगल हमारे पास ये बनेगी। जब 2 और 3 को देखा तो उसमें 2 एक्स्ट्रा उसमें बने, तो टोटल हमारे पास जो एक्स्ट्रा ट्रेंगल हैं वो बनी 4 एक्स्ट्रा ट्रेंगल। तो हम बताएंगे कि जो फिगर हमारे सामने है, ये जो फिगर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल। जो बेसिक पिक्चर है 3, 24 उसमें थी और 4 हमारे पास एक्स्ट्रा बनी, तो टोटल हुआ 28। तो इस पिक्चर में हमारे पास 28 ट्रेंगल्स बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की कि कैसे हम जो ट्रेंगल्स हैं जो हमें दी होती हैं पिक्चर के अंदर, उनकी काउंटिंग किस प्रकार से करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और ट्रेंगल से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।